The Mac Class is key to unlock the success Kalyan Prakampur. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेज में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषाएं, उनके नियम सिद्धांत एवं उनके आकार में परिवर्तन एवं उनके विकास के प्रभावित करने वाले कारक। आज की कक्षा में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं में शैशव अवस्था। तो दोस्तों हमने पिछली बार जो विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं कि गर्भावस्था, शैशव अवस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनका जो टाइम था देखते हैं दोस्तों। गर्भावस्था का टाइम था जन्म से लेकर, सॉरी जीरो से लेकर जन्म तक। गर्भ शैशवावस्था का टाइम था जन्म से लेकर 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। बाल्यावस्था का टाइम था 5 वर्ष का अंत, 6 वर्ष के प्रारंभ से 12 वर्ष के अंत तक और 13 वर्ष के प्रारंभ तक। किशोरावस्था का टाइम था 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष के प्रारंभ से 18 या 19 से 18 समझ सकते हो। इसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था में ये इसके ऊपर होता है 18 वर्ष से ऊपर। लेकिन जो विकास का अध्ययन करते हैं, जो बाल विकास का अध्ययन करते हैं वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। और जो हमारे शिक्षण परीक्षाओं में, शिक्षक परीक्षाओं में जो सिलेबस में आता है वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोस्तों। तो आज हम जो लोग अध्ययन करेंगे वो शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था, शैशवावस्था का जो टाइम है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष के प्रारंभ तक होता है। देखो शैशवावस्था में क्या है कि इनका जो निर्धारण होता है या अवस्थाओं का निर्धारण, आप सोच रहे हो 5 वर्ष के अंत या 6 वर्ष का प्रारंभ एक डेट होनी चाहिए, ऐसा होता है कि इनका जो अवस्थाओं का निर्धारण होता है वो आयु से नहीं बल्कि व्यवहार से किया जाता है। क्योंकि स्टैनले हॉल ने भी इसका स्टेटमेंट दिया था कि अवस्थाओं का निर्धारण आयु से नहीं बल्कि व्यवहार से किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बालक की उम्र 7 वर्ष भी हो जाती है लेकिन वो शैशवावस्था में ही रहता है जब तक उसके बाल्यावस्था के गुण विद्यमान नहीं हो जाएंगे, बाल्यावस्था के आप उसकी आदतें नहीं आ जाएंगी तब तक वो बाल्यावस्था में नहीं पहुंचता है। लेकिन आयु के द्वारा निर्धारण किया जाता है तो लगभग जन्म से लेके लगभग 5 या 6 वर्ष तक उसमें वह बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है। अब दोस्तों शैशवावस्था के हम लोग उपनाम की बात करते हैं। उपनाम में ये अतार्किक चिंतन की योग्यता या अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखो दोस्तों इस अवस्था में बालक चिंतन तो करता है लेकिन अतार्किक करता है। बाल्यावस्था में दोस्तों ये चिंतन जो करेगा वो तार्किक चिंतन करेगा और किशोरावस्था में ये अमूर्त चिंतन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर आप व्यवहारिक तरीके से समझना चाहते हैं तो जो बालक सोचेगा कि कोई वस्तु है, ये उसके हाथ में ये पेन दे दिया है और कहा जाए कि ये मार्कर है तो उसको बोलेगा हाँ ये मार्कर है, इस चीज़ को समझेगा लेकिन इस पर तर्क नहीं करेगा। बाल्यावस्था में बालक क्या करेगा, मार्कर है कहाँ से आया, ये कैसे लिखा जाता है, ये इसकी प्राइस क्या है, तो इसके बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन करेगा, तर्क करेगा।
अमूढ़ चिंतन में बालक, किशोरावस्था का बालक ये वस्तु देखकर ये कहेगा, सोचेगा, चिंतन करेगा, इसका उपयोग के बारे में विचार करेगा, स्वयं से जानने का प्रयास करेगा, स्वयं से जानने का चिंतन करेगा, तो उसमें अमूढ़ चिंतन आ जाता है किशोरावस्था में। तो दोस्तों यहाँ पर जो शैशवावस्था में बालक होता है अतार्किक चिंतन करता है, कुछ चिंतन नहीं करता है, लेकिन जो भी चिंतन करेगा वो अतार्किक ही करेगा। अनुकरण करने की अवस्था, दोस्तों समझिए, अनुकरण करने की अवस्था, क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आ चुका है कि अनुकरण करने की अवस्था किसे कहा जाता है या अनुकरण करने की योग्यता किस अवस्था में आ जाती है, तो शैशव अवस्था में। बालक अगर अपने माता पिता को जो देखेगा वही चीज करेगा, अगर माता पिता या परिवारिक जन, देखा होगा आपने कि जो एक्टिविटी, जैसे उस किसी से कह दिया कि ये इनसे कहो दादाजी, तो वो पूरे दिन दादाजी करेगा, लेकिन अनुकरण करेगा जो एक्टिविटी उसके सामने। अगर कोई भी आप खाना या भोजन करना जो बालक सीखता है या कोई भी क्रिया प्रणाली सीखता है तो वो कैसे सीखता है, अनुकरण करने करके ही सीखता है। तो इसी अवस्था को अनुकरण करने की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं अगला, इसका जो उपनाम आता है खिलौने की अवस्था। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ चुका है कि खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है, खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है, तो खिलौने की अवस्था शैशव अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में दोस्तों आपने अक्सर देखा गया होगा बालक खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है। बालकों का ये जो अवस्था होती है खिलौने पर, उनका जो भी खेल होता है खिलौने पर निर्धारित होती है। ये अकेला पहले स्वयं से खेलता है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तो इस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था, मूल प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था, मूल प्रवृत्ति पर आधार, देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मूल प्रवृत्ति शब्द दिया गया है। देखो जब भी बालक जन्म लेता है तो एक पशु के समान होता है, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसके बाद वो समाज में परिवार में सब कुछ सीखता है। तो बालक जो भी करेगा यहाँ पर, बालक का जो संवेग होगा, अगर बालक को भूख लग रही है तो वो कोई भी चीज वस्तु अगर उठ हाथ में लेके और मुंह में डाल लेगा, अगर उसे क्रोध आएगा तो वो चिल्लाएगा, तो अपना क्रोध जाहिर करेगा। तो यहाँ पर बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उन्हीं पर आधारित अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो अगले जो उपनाम के बारे में करते हैं जिक्र करते हैं, ये भावी जीवन की आधारशिला। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा गया है, तो भावी जीवन की आधारशिला शैशव अवस्था को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, भावी जीवन की आधारशिला है कि यहाँ पर बालक के जो भी विकास होगा, भविष्य में बालक बनना चाहता है, यानी कि सिगमंड फ्रॉयड ने स्टेटमेंट भी दिया था कि 4-5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनना चाहता है। यानी कि आप जैसे बालक के अंदर जो विकास होगा, बालक जो भी बालक की एक्टिविटीज होंगी वो शैशव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तो आधारशिला तैयार होती है वो शैशव अवस्था में तैयार हो जाती है। इसी अवस्था को अपीली काल भी कहा जाता है, अपीली काल। इस अवस्था में दोस्तों देखा होगा कि आपने कई बार कि बालक कई बार क्या अक्सर देखा गया होगा कि बालक अपनी जो जरूरतें होती हैं वो अपने परिवारिक जन के साथ डिमांड करता है, अपील करता रहता है, वो अपना काम स्वयं नहीं करता, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इस अवस्था में बालक कोई भी वस्तु बालक को चाहिए तो वो अपील करेगा, तो इसीलिए इसी अवस्था को अपीली काल भी कहा जाता है। दोस्तों अगले देखते हैं, इसी अवस्था को खतरनाक काल भी कहा जाता है, खतरनाक काल, खतरनाक काल कहा जाता है। खतरनाक काल जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बालक का स्वास्थ्य होने में, जो शैशव अवस्था में
शिशु का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और किसी न किसी कारणवश कभी कभी देखा हो मृत्यु दर भी ज्यादा हो जाती है। तो इस अवस्था में बालकों को बहुत ही सुरक्षा की जरूरत होती है, बहुत ही नाजुक अवस्था भी होती है। तो इसी अवस्था को खतरनाक काल एवं अवीली काल कहा गया दोस्तों। अब दोस्तों इसी के बारे में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके उपनाम इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, इसे अनुकरण करने की अवस्था कहा जाता है। बालक यहाँ पर तर्क नहीं करता। बालक अनुकरण का मतलब बालक किसी को अनुकरण करके, किसी की नकल करके ही कोई चीज़ें को सीखता है। जो भी सीखे, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो चल, अगर चलेगा वो भी तो किसी को देखकर ही सोचेगा चलेगा। या कोई भी बालक अगर पानी भी पीता है गिलास से तो वो देखकर ही पीता है, मतलब अनुकरण करके ही बालक यहाँ पर सीखता है। खिलौने की अवस्था, बालक इस अवस्था में खिलौने के साथ खेलना पसंद करता है, खिलौने के साथ ही खेलता है। पहले स्वयं खेलता है, फिर अपने और लोगों के साथ में खेलता है, लेकिन खिलौने की अवस्था इसे कहा जाता है। आपने सुना हुआ खेल की अवस्था, खेल की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर खिलौने की अवस्था है तो शैशवावस्था को कहते हैं। मूल प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था, यानी कि आप देख रहे होंगे कि दो अक्सर मूल प्रवृत्ति बालकों के अंदर पाई जाती है। जो भी अगर उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जो भी अगर उनको जरूरत है, जो भी अगर क्रोध आ रहा है तो अगर उन्हें चोट लग रही है या कोई दर्द है वह शरीर में, तो तुरंत रो देंगे, मतलब कवर नहीं की मूल प्रवृत्ति जो होती है वही दिखाते हैं। तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था होती है भावी जीवन की आधारशिला। भावी यानी बालकों को जो भी अगर इस अवस्था में विकास होगा, बालक का जैसा भी पर्यावरण मिलेगा, बालक तो इसी से बालक के भावी जीवन की आधारशिला बनती है। तो भावी जीवन की आधारशिला किसे कहा जाता है? भावी जीवन की आधारशिला शैशवावस्था को कहा जाता है। दोस्तों अपीली काल के देखते हैं, अपीली काल किसे कहा गया? अपीली काल, बालक अपील करता रहता है, तो अपीली काल किसे? शैशवावस्था को कहा गया। खतरनाक काल, खतरनाक काल इस अवस्था में बालक का शिशु का जो स्वास्थ्य होता है बहुत ही खराब होने की उम्मीद होती है, कि हमेशा बहुत नाजुक अवस्था होती है, तो यहाँ पर खतरनाक इस काल इसीलिए कहा गया है। तो दोस्तों आप इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके बाद किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा, इनकी क्या परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर परिभाषाओं से भी आ जाते हैं और उसमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो देखते हैं स्टैनली हॉल ने क्या कहा था। स्टैनली हॉल ने स्टेटमेंट दिया था। स्टैनली हॉल ने कहा था कि अवस्थाओं का निर्धारण आयु से नहीं बल्कि व्यवहार से किया, अभी बता चुके हैं अवस्थाओं का निर्धारण आयु से नहीं बल्कि व्यवहार से किया जाता है। देखो क्योंकि अवस्था जब बालक में जो गुण विद्यमान होंगे, अवस्थाओं का निर्धारण आयु से नहीं बल्कि उनके गुणों पर निर्धारित होता है, या बल्कि व्यवहार पर निर्धारित होता है। देखो दोस्तों क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बालक में व्यवहार विद्यमान है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और बालक तो और उसकी उम्र बढ़ रही है तो बालक की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। बालक के जैसे ही बालक में जो विशेषताएं हैं या गुण हैं जो बाल्यावस्था की हैं, वो अगर आपकी उसमें विशेषताएं आ जाती हैं तो बालक की अवस्था में बदलाव हो जाता है और वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। इसलिए स्टैनली हॉल महोदय ने कहा था कि अवस्थाओं का निर्धारण आयु से नहीं बल्कि व्यवहार से पर निर्धारित है। वैलेंटाइन ने क्या था, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने कहा था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखता है,
क्योंकि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो बालक जो सीखता है बहुत ही तीव्र गति से जब सीखेगा, तो जो सीखने का आदर्श काल है दोस्तों, इस अवस्था में बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखेगा। बालक का जो अधिगम होता है या बालक सीखता है वो बहुत ही तीव्र गति से सीखेगा। आदर्श काल कहा गया है इसे। ये किसने कहा गया? वैलेंटाइन ने कहा गया था। हरलोक महोदया, ये लेडीज हैं, हरलोक महोदया ने कहा था, शैशवावस्था खतरनाक एवं अपीली काल है। शैशवावस्था खतरनाक एवं अपीली काल है। खतरनाक एवं अपीली काल है, खतरनाक एवं अपीली काल है। दोस्तों, आपने देखा है कि अभी हम बता चुके हैं कि बालकों के अंदर बहुत ही उनकी नाजुक अवस्था होती है, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं और बालक अपील करता रहता है। अगला देखते हैं, सिगमंड फ्रायड ने कहा था बालक चार पाँच वर्षों में वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बालक के अंदर जो विकास होता है, बालक का जो पर्यावरण मिलता है, वो भावी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अभी सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बालक चार पाँच वर्षों में वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। एक स्टेटमेंट दिया था गुड एनफ ने कहा था कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास भावी जीवन में होता है, जितना मानसिक विकास भावी जीवन में होता है उसका आधा तीन वर्ष में हो जाता है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गुड एनफ ने ये कहा था कि जब भी बालक का जो भी इतना विकास होता होगा भावी जीवन में, उसका आधा बालक का आधा विकास हो जाता है, क्योंकि तीन वर्ष तक बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों, ये हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, एक बार फिर से देखते हैं जो परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने। स्टैनली हॉल ने कहा था, अवस्थाओं का निर्धारण आयु से नहीं बल्कि व्यवहार पर निर्धारित है। वैलेंटाइन ने कहा था, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। हरलोक महोदया ने कहा था, शैशवावस्था खतरनाक एवं अपीली काल है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था, बालक चार पाँच वर्षों में वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। गुड एनफ ने कहा था, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास भावी जीवन में होता है, उसका आधा तीन वर्ष में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों, आपने ये इन चीज़ को नोट किया, आज समझा, और आज हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था के उपनाम एवं उनके शैशवावस्था के बारे में मनोवैज्ञानों का कथन। अगली कक्षा दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही है, और अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे
शैशवावस्था की विशेषताएं एवं शैशवावस्था के शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप लोग अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेज पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।